अचानक से कई चिंपैंजी बंदूक लेकर घर में घुस जाते हैं। इस घर में एक लड़की इनके डर से कोने में छुपी हुई थी। तभी चिंपैंजियों का मालिक इन्हें बंदूक नीचे करने के लिए कहता है और इन सब चिंपैंजियों को यहाँ से भगा देता है। लेकिन एक चिंपैंजी अपने मालिक पर गुस्सा हो रहा था और फिर बाहर चला जाता है। अब ये चिंपैंजियों का मालिक उस लड़की को ध्यान से देखता है और उसके करीब जाता है, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर तभी वो नीचे से एक खिलौना उठाकर लड़की को दे देता है और वो लड़की उस खिलौने को प्यार से ले लेती है। ये चिंपैंजी उस लड़की को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर तभी लड़की से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो अभी डर के मारे से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और यहाँ ये सभी चिंपैंजी घरों में कुछ ढूंढ रहे थे। फिर ये सभी चिंपैंजी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे देखते हैं वो लड़की भी इनके पास आ रही थी। फिर तभी एक चिंपैंजी अपने मालिक से कहता है, इस लड़की को हमें अपने साथ नहीं ले जाना है। और वो लड़की मासूमियत से खड़ी होकर इन्हें देख रही थी। तभी चिंपैंजियों का मालिक उस लड़की को भी अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन एक चिंपैंजी उस लड़की को गुस्से से देख रहा था।